still drive me crazy. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हमारे हाल भी अच्छे हैं। सिचुएशन अभी तक बहुत अच्छी तो है नहीं, होपफुली जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग करने का दिन है, सो मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। और मैं इतना रेडी इसलिए हूँ क्योंकि जब आप घर पर रहते हैं तो आपको रेडी होने का अहमियत पता चलती है। यूजली मैं कभी भी रेडी होना पसंद नहीं करती हूँ, मेकअप करना पसंद करती हूँ, कपड़ों पे मैं इतना फट नहीं डालती, सिर्फ टी शर्ट एंड टी शर्ट टी शर्ट। आज मैंने सोचा कि अच्छा टॉप डालती हूँ, और ये टॉप मैंने कहाँ से लिया है, H&M से। ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रही हूँ, और किसी का मुझे मैसेज आया था कि तुम ग्रॉसरी शॉपिंग करने क्यों जाते हो तो अपने हस्बैंड को भेजो क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो या दैट्स ट्रू, बट यस, मेरा भी काफ़ी प्रॉब्लम है, मुझे भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मेरा जो इम्यून सिस्टम बाकी चीज़ों से फाइट करने के लिए अच्छा काम करता है, मेरे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल सारे कुछ अच्छे हैं, पर हस्बैंड की सिचुएशन थोड़ी अलग है। तो इसलिए मैं जाती हूँ, पर मैं पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाती हूँ, अपने आप को सबसे दूर रखती हूँ, और जो भी मैं कर सकूँ घर आके हाइजीन का ध्यान रखना, ग्रॉसरी को क्लीन करना और हैंड वॉश, एंड या होपफुली सब कुछ ठीक ही रहे। यू नो, जब आप घर पर रहते हैं, तीनों मील घर पर खा रहे हैं, तो ग्रॉसरी भी ज़्यादा यूज़ होती है। नहीं, जल्दी जाना पड़ रहा मुझे। ओके दोस्तों, बाहर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, और हम तैयारी कर लेते हैं अपनी और जल्दी से लाइन में लग जाते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। पर देखो, मैं काफ़ी जल्दी आई हूँ, 11 बजे अभी, पर स्टिल बहुत लंबी लाइन है। सो पहला काम, बालानू बनू। दूजा काम, ग्लव्स पालो। ओके, ग्लव्स डन। अगला काम कोटी पालो, क्योंकि ठंडा बार तैयारी बड़ी करनी पड़ती है। मास्क पालो। क्या बाहर लोगों ने सबने मास्क पाए ने? यस, मोस्टली लोगों ने। ओह, मैसेज, हु इज दिस गाय? हस्बैंड गाय ने कोई मैसेज किया वे, मे बी हस्बैंड गाय नीड समथिंग फ्रॉम, गेट मी दिस दिस दिस। चाबियां जेबा च पाओ, फोन जेबा च पाओ, कैमरे नो लाओ, अदरवाइज तू ही लोगों ने इतनी रहा ना, मैं कल्ले जाती। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैनेज करनी बाकी हैं। इसमें सारी सब्जियां हैं, इसको मैं विनेगर वाले पानी में वॉश करूँगी, विनेगर एंड सॉल्ट वाले में। सो इसको मैंने अभी यहाँ पर छोड़ दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी, उसे मैंने स्टोर कर लिया है बेसमेंट में। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती नहीं है, सिर्फ एक या दो आइटम मिलती हैं, और कितनी सारी चीज़ों को यहाँ रखा है। बहुत भूख भी लगी थी, मैं क्यों खा के नहीं गई थी। और या ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल है ग्रॉसरी को। आज मैंने ग्रॉसरी के लिए स्पेंड किए हैं 300, सो काफ़ी कुछ ख़रीदा मैंने। और हस्बैंड देयर लुकिंग ऑल क्यूट एंड हैंडसम, बिकॉज कल मैंने उनको हेयर कट दिया था, नाउ ही इज ऑल गुड एंड हाइडिंग हिज हेयर, लुक क्यूटी भाई। ओके, ही इज लाफिंग। Guys, daddy do pizza, pizza do on him a tummy. And it hurts a lot. And it hurts a lot, daddy. At the same spot ever. And same spot पे बार बार pizza do करते हैं तो फिर वो दुखता है. Okay. सो मैं बहुत ही थक गई हूँ चीज़ों को मैनेज करते करते। मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग का अभियान शुरू किया था 11 बजे, 3 बज गया, और मैं सोच रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चाय मिल जाए ना, कह रहे यार मेरे लिए भी बना रहे। आपको बात समझ में आई कि बंदा चाय बना ले, कह रहे कि नहीं हाँ मैं भी बहुत थक गया हुआ, मेरे लिए भी एक कप बना ले। अभी बहुत सारी चीजों का करना बाकी है। यू नो, ग्रोसरी को मैं चाहती हूँ कि ये दोनों टच नहीं करे, ये दोनों कंटेमिनेट नहीं होए, करके मैं कल्ले करना पड़ता सारा कुछ। पहला समान इकट्ठा करके ट्रॉली च पाओ, ट्रॉली जो ला के पे करो, पे करा के फिर ट्रॉली च पाओ, ट्रॉली लेके आओ फिर गड्डी च पाओ, गड्डी जो फिर गड्डी घर च पाओ, फिर घर जो एक स्पॉट पे रखा है मैंने, उसको यहाँ घर में जगह जगह लाने से पहले क्लीन करो। सो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों, या पर मैं 10-15 मिनट ब्रेक लूँगी, फिर मैं बाकी चीज़ों को वॉश करूँगी। अभी हर पास से मैंने गंद ही गंद दिखा दिया, ये दोनों जने बहुत घर च गंद मचा लिया, और फिर मैं सोचा कि So, I can leave it. Secondly, I
और मैं कॉफ़ी बना के पी लूँगी। तो ये पी लोगे स्टीप टी? या स्टीप टी पी लेना और सारा, तो फिर बाकी चीज़ों को करते हैं। ओके, तो बाल काले हो चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे चैन नहीं आ रहा, क्लीनिंग करके ही आएगा। सो मैंने सोचा विटामिन सी खा रही हूँ मैं, सो मैंने सोचा कि डिशवाशर को खाली करके लोड कर देते हैं और ये एरिया खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्जियों को वॉश करना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ मैं और फिर मैं चाय पीऊँगी और थोड़ा सा टेंशन खत्म होगी। अभी मैं हमारा जो अपस्टेयर्स हॉलवे है उस पर पोछा लगा के आई हूँ एंड स्टेयर्स पे भी लगा के आई हूँ, क्योंकि मुझे घर बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहा है और ये दोनों बिल्कुल मदद नहीं करते। हिम्मत कर तो मानते हैं, बेचारा नहीं कर पा रहा है, डैडी भी नहीं करते। और मैं नन्ना सा बेसिल प्लांट लेके आई हूँ। ओके, एक और प्रॉब्लम है, जब मैं मेरी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करती हूँ फ्रिज में, तो मुझे होता है कि मेरी फ्रिज को भी मैं क्लीन करती हूँ। सो अब मैं फ्रिज को भी क्लीन करना चाहती हूँ, ग्रोसरी को भी ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड एंड हिम्मत ने अपना ब्रेकफास्ट खुद से अरेंज किया था, सो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी हफड़ा दफड़ी मचा दी। वो भी क्लीन करना चाहती हूँ, आराम भी करना चाहती हूँ, चाय भी पीना चाहती हूँ। सो इस सारे चाहने चाहने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, और अगर आप ऐसे हैं तो मुझे बताना। आई डोंट नो, मैं ऐसी हूँ क्योंकि मैं वर्क हूँ, आप भी ऐसे हैं प्लीज़ बताना। चैन नहीं आंदा जो तक चीज़ें क्लीन नहीं हो, जब क्लीन हो सब कुछ ऑर्गेनाइज हो तो फिर चाय पीने का भी मज़ा आता, नहीं तो फिर अंदर कुछ होता रहता यार। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऐसे होना अच्छा नहीं है। रेडी है, ऐसे होते हो ना आप तभी आपको किसी और बंदे की चीज़ें पसंद नहीं आती है, लाइक क्लीनिंग किसी और को पसंद नहीं आती है, खाना किसी और का पसंद नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ों में नुक्स निकालते हैं हम लोग। अगर कोई मेरा फैलो वर्गो इस चीज़ को रिलेट कर सकता है तो प्लीज़ बताना। अगर आप सोचते हैं कि आप इतना तैयार हो के चीज़ें कर रहे हैं तो यार ऐसा ही है। मैं सो बहुत समय हो गया कि मैंने मेरी सेहत के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि मैंने किसी व्लॉग में कहा था कि हम मेरी सेहत के बारे में बात नहीं करेंगे, पर बहुत सारे दोस्त मैसेज में पूछ रहे हैं कि तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तो मैं उसका रिप्लाई देना चाहती हूँ। गोलियाँ खत्म कर ली पहले, खट्टियाँ हो गई खत्म। सो मेरी सेहत कैसी है? मेरी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है सेहत की तरफ से, लाइक फिजिकली चीज़ें बहुत पेन में रहती हैं, मेंटली बहुत अच्छी है। और क्या मेरे 20 प्लस जॉइंट्स में पेन हो रही है इस समय? यस हो रही है। क्या मैं उसकी परवाह करती हूँ? नहीं। क्या मैं उदास हो जाती हूँ समटाइम? यस। क्या मैं रोती हूँ? अब मैं रोती नहीं हूँ वैसे, पर अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो तो कई बार रो भी देती हूँ, पर काफ़ी समय हो गया कि मैं रोई नहीं हूँ अपनी पेन को लेके। एक्चुअली मैं यहाँ पे पॉज करके बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट डे ही मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में थी। क्या मैं डिस्करेज होती हूँ? एक्चुअली कम ही होती हूँ। 3 दिन पहले मेरी मेरे डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी फ़ोन पे। सो मैंने उसे कहा कि क्या मैं कभी नॉर्मल होंगी? शी सेड कि हो सकता है कि तुम हो जाओ नॉर्मल, क्योंकि तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है हमने बहुत ही अर्ली स्टेज में हमें पता चल गया है, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और डोंट वरी तुम नॉर्मल हो जाओगे। सो यस, ये क्वेश्चन मेरे मन में भी आता है। बहुत नचन गान वाला और बहुत ही मस्ती करने वाला बंदा हूँ मैं। क्या आजकल भी मैं मस्ती करती हूँ? यस मैं करती हूँ। यू नो आजकल मेरी बॉडी कुछ ऐसी है, ऐसी पेन होती है कि मैं बहुत ज़्यादा हंस भी नहीं पाती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ तो मेरी ये बैक बोन में अजीब सी पेन होनी शुरू हो जाती है, मुझे इमीडिएटली बैठना पड़ता है। सो मैं बहुत ज़्यादा हंस भी नहीं पाती हूँ। डांस करने का कितना शौक है मुझे, आई मीन नचन टपन दा, मेरे पिछले कितने सारे व्लॉग्स में आपने देखा नहीं होगा मुझे डांस करी, क्योंकि मैं थोड़ा सा करती हूँ इधर उधर तो फिर मेरी चीज़ें पेन होने जाती होने शुरू हो जाती है, पर फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ, करती रहती हूँ। आई डोंट गिव अ डैम। सो या ये मैं उन दोस्तों को बताना चाहती हूँ जो मुझसे पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप मुझे मेरी सेहत के बारे में पूछते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी कितनी चिंता करते हैं। आई लव यू गाइस सो मच। दोबारा गला बातें करने लग पी हैं, मैं काम बीच लग गया और ऐसे खड़ी थी मैं। साढ़े पड़ोसी देखते पे, आप हमारे पड़ोसियों का कुछ ऐसा है कि वो हमारी तरफ देखते रहते हैं, पर अगर हम उनकी तरफ देखें तो वो अपना कर्टन नीचे कर देते हैं। चलो बाय।
चलो डिशवॉशर खाली हो गया, अब उसको भर देते हैं। ओके बाल्टी में पानी भर लिया मैंने, और सबसे पहले जाएंगे एप्पल। मिमी यू वांट टू सी, कम, व्हाट आई एम वॉशिंग स्टफ, गेट योर टेबल, कैन यू हेल्प, तो से नहीं इंटरेस्टिंग जगह का। So we're done with orange, apple, and Himma's helping me washing banana. This is so much fun, but I want to put it up. So nice and washed. Oh, what are you here? No. So my khas sari khulli sabjiyan ho gayi hain, wash and nice and dry hone dete hain. अगर ड्राई नहीं होंगी तो पेपर टॉवल से ड्राई करके फ्रिज में रख देंगे। सारी चीज़ों को कर लिया है बहुत अच्छी तरह वॉश। बनाना है, ऑरेंज है, भिंडी है, खूब सारे टमाटर, एप्पल है, पियर्स मैंने लिए थे जब मैं गाड़ी में सामान रख रही थी तो वो नीचे गिर के पीचू हो गए, दो मेरे ख़राब हो गए। शिमला मिर्च है, जायंट किया है, लेमन है, मशरूम है, कैरेट्स है, इनको वैसे मैंने वाइप ही किया है क्योंकि अगर मैं वॉश करूँगी तो फिर ख़राब हो जाएगा, खाने से पहले करेंगे, पर पैक को मैंने पूरी तरह हाइजीनिक कर लिया है। छलियाँ हैं, गोभी है, लेटस है क्योंकि वो हमें चाहिए ही चाहिए, और स्पिनच को भी मैंने कर लिया है, और कुछ चीज़ें अभी उधर ही पड़ी हैं उनको वहीं पर रहने देती हूँ मैं थोड़ी देर, क्योंकि उनको मैं वॉश तो कर नहीं सकती हूँ तो यहीं पर रहेंगी। उसमें हर्ब्स हैं, दो चार घंटे बाद चखेंगे इनको। गार्लिक है, इसको मैं नीचे छोड़ दूँगी क्योंकि इसको बाद में करेंगे। जिंजर है, ग्रेप्स हैं, इसको वॉश करना है, और मिंट है मेरे पास क्योंकि मैं चटनी बनाऊँगी, एंड कोरिएंडर है। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई, आई एम वेरी हैप्पी। कि एग सिर्फ एक ही लाना अलाउड था और चुमते ने टूट गए अंडे मेरे, आई एम वेरी सैड, पर मैंने उनको निकाल लिया है, थोड़े बचे कुछ सी, और ये दो ओवर राइप बनाना है मेरे पास तो मैं सोच रही हूँ इनको बेक कर लूँगी ताकि वेस्ट ना हो, और अब मैं चाय पी सकती हूँ, आई एम फीलिंग मिलियन टाइम्स बेटर। और एक बात दिमाग में आई है मेरे, जैसे मैं पंजाबी एंड हिंदी का स्मैश करती हूँ वो ऐसे नहीं कि मुझे हिंदी वैसे बोलनी आती है, मैं हिंदी नॉर्मल भी बोल सकती हूँ पर वो मेरा स्टाइल है। मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलती हूँ, इनफैक्ट मैं इतनी अच्छी हिंदी बोलती हूँ कि क्या बताऊँ यार, मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलती हूँ। 7-8 years पहले तक मुझे हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लाइक मुझे हिंदी बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। पंजाब में जहाँ से मैं हूँ मेरे मोहल्ले में सारे लोग हिंदी बोलते मोस्टली, सो या ज़्यादातर लड़कियाँ वहाँ पे हमारे मोहल्ले में हिंदी बोलती थी, उनको लगता था कि हिंदी काइंड ऑफ स्टेटस है, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलेंगे, या बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोलते थे या फिर हिंदी बोलेंगे, स्टाइल मारेंगे, पर मैं थोड़ा ऐसी थी कि नहीं मुझे पंजाबी पसंद है, पंजाबी पसंद है, पंजाबी मुझे अभी भी बहुत पसंद है, पर हिंदी भी बहुत प्यारी लैंग्वेज है। हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जो हम सारे इंडिया को कनेक्ट करती है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, सो हिंदी को बोलने में भी प्राउड लेना चाहिए। पंजाबी या वो हमारी माँ बोली है उसमें भी कोई डाउट नहीं है, पर हिंदी भी इक्वली बल्कि थोड़ी बढ़ के ही है क्योंकि वो देश की लैंग्वेज है। सो या ये है, मुझे याद है कि जिन बच्चों के साथ मैं खेलती थी बहुत ज़्यादा, यू नो जो लड़कियाँ बहुत टेंशन में रहती हैं यार, वैसे थी वो। एक बार मैं खेलने के लिए गई पार्क में और स्विंग थी, और मैंने कहा कि मुझे लेने दो, देन शी सेड तुम अभी आई हो, तुम नहीं ले सकती हो और तुम बहुत छोटी हो, और मैंने कहा कि नहीं मुझे, मैं ले सकती हूँ, मैंने लेने दो प्लीज़, पिंक दे दो मैनू। कह रही कि ओके तो तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए ले पाओगी। मैंने कहा कि ओके 5 मिनट मेरे लिए गोडा, मैं 5 मिनट ले लूँगी। तो उसने कहा कि ओके गो, मैं पिंक पे बैठ गई और लेना शुरू कर दिया। मैंने वो कह रही 1 2 3 4 5 यू डन। और यार फिर उदा ना चेहरा और उदा ऐसे ऐसे करना मुझे भूलता ही नहीं है। 5 मिनट डन हो गए, थल्ले उतर जा। और मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता 5 मिनट और 5 सेकंड में क्या फ़र्क है। मैं उतरने वाली थी तो एक बड़ा लड़का आया, वो उसने कहा उसको कि तुम वो लड़की के साथ चीट कर रही हो, अभी 5 मिनट नहीं 5 सेकंड हुए हैं, उसे 5 मिनट के लिए लेने दो, बाद में ले लेना। मैं क्या कि रियली मैं पिंग ली। पर यू नो कई ऐसे नन्हे नन्हे से किस्से हैं ज़िंदगी के जो मुझे रोज़ 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 याद आते रहते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भूलती नहीं है कि ओ मीन जी गर्ल, और 5 सेकंड जो कहती चल उतर। ओके आई एम नॉट श्योर आप इंटरेस्टेड, मेरी चाय भी ठंडी होगी, गल्ला सुनाते सुनाते ना मेरी चाय ठंडी होगी। मैम मेरे पति बेचारे चाय मंग रहे हैं। बस निकल दसी सी मैं स्विमिंग लैन गई ते ओ कुड़ी ने मैं कहा कि दीदी मेनू ला दो। ओके 5 मिनट ला ला, मैं बैग ही कंडी 5 सेकंड तो किस्सा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कुड़ी की शक्ल बिल्कुल नहीं भूलती, और इदा करन दी ना उन्हें स्कर्ट पाई थी इदा करे, भावे वो भी व्लॉग देख ले।
यार ऐसी जो बातें ना मैंने मेरे हस्बैंड को बहुत बार बताई हैं ऑलरेडी, फिर रिपीट कर करके उन्होंने बोर कर दिया नहीं है। ओके सो मैं उस लड़की को मैसेज देना चाहती हूँ, अगर तुम मेरा व्लॉग देख रहे हो तो मुझे पता है वो 5 सेकंड होते हैं, 5 मिनट नहीं। और ये चार मैं कहता हुआ पोर्शन पाया कि मैं अपने पति को हिप्नोटाइज कर लेना और अपने वॉश चेक कर लेना ताकि सिर्फ सिर्फ मेरे बारे सोचे। चाह ठंडी हो गई है ना तो पति ने गुस्सा होना ना ठंडी होगी। सो हस्बैंड ने चाह देती है, अब देंगे हमारी जो हमने ऑरेंज केक बनाया वो बनाना सा बटर लगा कर लांदी लोड़ नहीं, वो वैसे ही बड़ा सॉफ्ट है, कहते ही ना मट्ठी मुट्ठी दो। ओके दोस्तों आई डोंट नो क्यों आज वो वाला दिन है जब मुझे कुछ ना कुछ फील हो रहा है कि मैं कुछ ना कुछ क्लीन करते रहूँ, मैं टेक के बैठन वाला दिन ही। वैसे तो मेरे हर दिन वैसे ही होते हैं पर समटाइम मैं लेजी भी फील करती हूँ कि यार कुछ भी ना करो, पर आज वन ऑफ दोज दिन है जब मुझे लग रहा है क्लीन कर लाँ। मुझे मेरा पूरा घर ही क्लीन करने के लिए रेडी दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म करूँ, पर मैं सोचा कि यार मैं चिंता नहीं करनी, क्लीन मैं कल कराऊंगी। अभी मुझे वो ग्रॉसरी को जो मैंने बाहर रखा है उसको ड्राई करके फ्रिज में फिट करना, फ्रिज को भी क्लीन करना है, फिर मुझे डिनर की भी तैयारी करनी पड़ेगी और मेरे शोल्डर भी पेन हो रहा है। मैं भी क्लीन कर, चल कुछ ना कुछ क्लीन कर, तू कर अपने टॉयज क्लीन। सो मैं क्लीन करूंगी विनेगर एंड सोप एंड गरम पानी के मिक्सचर के साथ। सो दिस इज माई रिचुअल, कभी भी ग्रॉसरी को अंदर रखने से पहले सारी जगह मैं क्लीनिंग कर दी हूँ। सारी सब्जियों को मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर, सब इनको ड्राई करना पड़ेगा। पेपर टॉवल यूज करूंगी और मैं सबसे पहले एप्पल कर लूंगी, वैसे तो ड्राई है उनको रखा जाएगा। I don't know अगर आप मेरे जैसे ही या नहीं पर मुझे टमाटरों को देख के बहुत खुशी होती है, लाइक टमाटर आपकी सब्जी की जान है, अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो लगता है कि कुछ भी कुक नहीं कर सकते। What do you think? So beautiful. So मैंने पुराने टमाटर वहां से निकाल लिए हैं क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल अपनाते हैं हम हमारी किचन में, सो इसलिए उनको निकाल लिया गया है। पहले हम फ्रेश रखेंगे एंड देन देखेंगे पुराने की जगह हैगी है या उनको कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा। सो द ट्रांसफर इज डन। ये है मेरी फ्रूट बास्केट, टमेटो बास्केट, लेमन बास्केट। सो फ्रेश की जगह है, पुराने 3 की जगह नहीं है, उनमें से एक शायद आज मेरी भिंडी में जाएगा और अगर मैंने करी बनाई तो 2 उसमें जा सकते हैं। सो अभी श्योर नहीं है बनाएंगे या नहीं, सो इनको अब जाएगा फ्रिज में क्योंकि मैंने सरफेस को ऑलरेडी क्लीन कर दिया है। आई एम नॉट श्योर अगर आप इस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, पर अगर आप गृहिणी हैं तो आपको ये चीज़ें शायद बहुत अच्छी लगेंगी। मुझे गलती नहीं लग जाए इसलिए मैंने यहाँ पे टमेटो का लेबल लगा दिया है। अगर आपको पीछे से आवाज सुन रही है तो क्लीन करते हुए मैं टीवी पे देख रही हूँ। क्लीन इसमें जाएंगी आलतू फालतू सब्जियाँ, जिंजर को मैंने एक ड्राई बैग में डाल के रखूंगी। तो इस स्मॉल डब्बे में पेपर टॉवल रख रही हूँ मैं और इसमें जाएंगे ग्रेप्स। वैसे ग्रेप्स को मैं पहले वॉश नहीं करती हूँ, खाने से पहले करती हूँ, पर हम कोरोना करके मैं डाल गई हूँ तो इसको करती हूँ, तो इसलिए इसका नीचे मैं बिछा रही हूँ कि गल नहीं जाए जल्दी। सो ये फ्रूट वाली शेल्फ पे जाएंगे। हाँ जी बहुत सामान पे आबार स्पिनच कितने भी चली जाएगी क्योंकि मैं इसको एक दो बार छोटे छोटे पोर्शन कुक करने के बाद बॉयल करके ग्राइंड करके रखूंगी फ्यूचर के लिए। भिंडी बाहर रहेगी, एग जाएगी, पर एग को रखने के लिए मैं यूज करती हूँ वहाँ पे मैंने बाकी चीजें रख दी हैं, तो एग मेरे पास कम है तो मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। किन्नी चीजों को एडजस्ट कर दिया फिर भी किचन में बहुत मैस है। ओके ये छोटा है। तो एंड में आपको फ्रिज दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। फ्रिज फुल है
क्योंकि मैं नहीं जाने वाली हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए एटलीस्ट 15 दिनों तक. सो सबसे ऊपर मैंने एग रख दिए. वैसे एग सबसे नीचे ही आ जाते हैं पर आज वहाँ पे चिकन है तो एग वहाँ पे रहेंगे और आटा एंड बटर है वहाँ पे. और ये क्रीम्स है जो मैं यूज़ करती हूँ लाइक मक्खन के लिए, मेरी चाय के लिए एंड चाय या कॉफ़ी के लिए. यहाँ पे आलू फालतू सॉस है और यहाँ पे मेरे फ्रूट्स हैं एप्पल पियर एंड यस ये हिम्मत का फेवरेट जूस है. और यहाँ पे हैं ये ग्रेप्स और लेटस एंड पालक को फ़िलहाल के लिए वैसे रख दिया मैंने, बाद में मैनेज करेंगे. यहाँ पे खूब सारे लेमन एंड टमेटोज़ हैं. सो यहाँ पे बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दही हैं, दूध है और चीज़ है, क्रीम चीज़ है एंड सार क्रीम है क्योंकि इटालियन एंड मैक्सिकन के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो है. और इस वाले में है चिकन, चीज़, पनीर, बटर, एवोकाडो एंड मेरी रेड चिली. इनमें सब्जियों का मिक्सचर है. इनमें मैंने वो सब्जियां रखी हैं जो लाइक पैक्ड है, लाइक मशरूम है, कैरेट्स है, बीन्स हैं, क्यूकम्बर है और पेपर्स हैं सारे रंगों वाली. और इसमें जो खुली सब्जियां हैं लाइक गोभी है, किया है, छलियां हैं एंड पेपर है, टमेटो जो मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी, जिंजर है. तो या फ्रिज फुल है, क्लीन है, वेरी हैप्पी हूँ मैं. इतनी चीज़ों को समेटने के बाद किचन की हालत देख लो फिर भी क्यों है, क्योंकि ये सारा गार्बेज में जाएगा. कुछ वॉश होने के लिए है जो मैंने फ्रिज में से निकाला है, एक्सपायर सामान या फिनिश. और ये बनाना वो ड्राई हो रहे हैं अभी और ये हर्ब्स ड्राई हो रही हैं. होपफुली जल्दी ही क्लीनिंग का प्रोसेस हो जाएगा ख़त्म. ये मिंट देखिए कितना फ्रेश एंड क्रंची है. पुदीने की चटनी बनाने के लिए मन है. और जब आप पुदीने की चटनी बनाएं अपने पति को याद कर ले तो बेस्ट चटनी बनती है. जैसे आपको लगता है कि कभी कभी पति की चटनी बनाने के लिए मन करता है ना, तो उसको याद करके पुदीने की चटनी बनाएं, चंगा कुट्टे, फिर क्या स्वाद चटनी बनेगी, आप बिलीव नहीं करेंगे. इतनी डिलीशियस बन जाती है तब. ओके दोस्तों, आप भिंडी बना रहे हैं, हस्बैंड चिकन करी बनाने में हेल्प कर रहे हैं. वाह, तुझे मैंने मैचिंग कर लिया. तलूं दा तेल भिंडी ली. सो डैडी स्टिल हेल्पिंग. यूजली डैडी चले जाते हैं बहुत पहले ही हिम्मत हार के, पर इस टाइम ही इज़ हेल्पिंग. सो राइस बना रही हूँ मैं और मैंने बनाना ब्रेड भी रख दिया क्योंकि अर्लियर मैंने दिखाया ना आपको कि एग टूट गया और दिस बनाना ब्रेड इज स्मेलिंग सो गुड. मैंने इसमें चॉकलेट भी डाल दी, वाइट एंड डार्क. सो सारा कुछ इको प्लेट पाता कम चोर बनने वाली चिकन करी, राइस, भिंडी एंड फुल्का. है ये गो हस्बैंड ले. सो बनाना ब्रेड अच्छी बनी है. इस समय मैं बैडली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मेरा कुछ भी करने के लिए मन नहीं. मेरे बैग में पेन हो रही है, हर जगह पेन हो रही है, पर या फिर भी जैसे कैसे मैं डिशेस को समेटूंगी एंड गार्बेज को एंड बाकी चीज़ें रान दूँगी. वैसे सारा कुछ हो ही जाना, सिर्फ डिशेस ही करने वाली हूँ. सो या करते हैं. ओके प्यारे दोस्तों, सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने आज का ब्लॉग पसंद किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, कमेंट करें, लाइक करें, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करें. जो कुछ भी आप मेरे लिए कर सकते हैं सब कुछ करें, क्योंकि इतनी प्यारी गर्ल आपको कहीं पर नहीं मिलेगी. मैं मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइज़ कैन डू एनी फिट एंड थिंग एंड आई लव यू गाइज़ सो मच. बाय.